हेलो बच्चों, मैं हूं अमित ओझा और आज मैं आपके सामने फिर उपस्थित हूं एम हाई ट्यूटोरियल के यूट्यूब चैनल पर कुछ ट्रिक्स को लेके। मैंने देखा है कई सारे चैनल पे लोग अनाउंस करते हैं कि धांसू ट्रिक, ऐसा धांसू ट्रिक पूरा मैथ सॉल्व। मुझे लगा कि मैं भी ऐसा कुछ करूँ आप लोगों के लिए ताकि आप भी आए मेरे चैनल पर और देखें, क्योंकि मैंने चैनल स्टार्ट किया था आपके लिए और उसमें मैं चैप्टर वाइज मैथ्स को बेसिक से समझा रहा था, लेकिन कुछ कारणों की वजह से वो रुक गया। लेकिन मैंने फिर सोचा है कि मैं फिर आपके सामने उपस्थित होऊंगा और उन्हीं धांसू ट्रिक्स के साथ जो और यूट्यूबर आपके पास लेके आते हैं और आप उनको खूब देखते हैं और खूब सराहते भी हैं। मैं ये उम्मीद करता हूं कि आप मुझे भी देखें और मुझे भी सराहें और फ़ायदा भी उठाएं। आपके लिए मैंने पहले भी कहा था कि मैथ्स और रीजनिंग और GS के सवाल और उनके कंसेप्ट आपको आपके सामने लेकर आऊँगा, और इसलिए मैं एक दो साल के बाद फिर आपके सामने उपस्थित हुआ हूँ उसी उद्देश्य को लेकर। लेकिन मैं ये चाहता हूँ कि आप मुझे थोड़ा सपोर्ट करें ताकि मैं आपके लिए ऐसे वीडियोस बनाता रहूँ और आपको फ़ायदा पहुँचा सकूँ। जैसे एक सवाल मैं आपको दिखाता हूँ, वो कंपाउंड इंटरेस्ट का है। जैसे सवाल कहता है कि कोई धन चक्रवृद्धि ब्याज की दर से 3 वर्ष में दोगुना हो जाता है तो कितने समय में वह धन 8 गुना हो जाएगा। देखिए, कहने को तो ये सवाल चक्रवृद्धि ब्याज का है और वैसे देखने में आपको ये समझ में नहीं आने वाला है। अगर आप इसको कंसेप्चुअली लेके चलेंगे तो थोड़ा टाइम लगता है, लेकिन अगर हम उस धांसू ट्रिक की बात करें तो बहुत सिंपल है, एकदम सिंपल है कि आप कुछ सेकंड में इसका उत्तर दे सकते हैं। जैसे एक बेसिक चीज समझिए आप कि अगर बात चक्रवृद्धि ब्याज की हो, कंपाउंड इंटरेस्ट की हो, तो आपको ये समझना है कि चक्रवृद्धि ब्याज में अगर कोई सम एक फिक्स टाइम पे दोगुना हो रहा है या एक फिक्स टाइम पे बढ़ जा रहा है, तो आपको ये समझना है कि चक्रवृद्धि ब्याज में जो धन बढ़ के कुछ समय में दोगुना हो गया, जैसे मान लीजिए कहा जा रहा है कि 3 वर्ष में दोगुना होने का मतलब यह है कि अगर कोई राशि 100 रुपए की है और कहा जा रहा है कि 3 साल में यह राशि दोगुनी हो गई, तो दोगुनी होने का मतलब 3 वर्ष में यह राशि कितना हो गया, 200। अब यह समझना है कि इस 3 साल में यह जो 100 रुपए की राशि थी यह 200 रुपए हो गई। अब 3 वर्ष के बाद ये जो 200 रुपए की राशि है ये आपका मूल रकम या मूल राशि या मूल धन हो जाएगा। जो मित्र धन था 3 वर्ष के बाद वो मूल धन हो गया। तो हर वो टाइम पीरियड पे अगर इसमें कोई चेंज नहीं किया जाता है तो हर 3 वर्ष के टाइम पीरियड पे ये धन दोगुना होता चला जाएगा। तो अगले 3 साल की बात करें तो ये राशि फिर दोगुनी हो जाएगी, तो 200 गुना 2 400 हो जाएगी। तो आपको यही समझना है कि जहां इस तरह का सवाल आए तो सीधा देखना है कि कोई धन चक्रवृद्धि ब्याज की दर से 3 वर्ष में दोगुना, तो 3 वर्ष में हो गई राशि दोगुना। अगर हम राशि को 1 रुपया क्या मान लेते हैं कि राशि 1 रुपये की है, तो 3 वर्ष में राशि हो गई 2 रुपये। अब ये चलता रहेगा कि अगले 3 वर्ष में फिर ये राशि दोगुनी हो जाएगी तो कितनी हो गई, 4 रुपये। फिर अगले 3 वर्ष में ये राशि दोगुनी हो गई तो कितनी हो गई, 8 रुपये। अब ये हम जहां तक चाहें वहां तक जा सकते हैं, लेकिन सवाल ये कहता है कि कोई धन चक्रवृद्धि ब्याज की दर से 3 वर्ष में दोगुना हो जाता है तो कितने समय में वह राशि 8 गुना हो जाएगा। तो 8 गुना चाहिए था, 8 गुना मिल गया, 1 रुपये की राशि 8 रुपये हो गई, हमारा सवाल पूरा। अब कह रहा है कि कितने समय में हुआ, तो 3 साल में दोगुना हुआ, अगले 3 साल में उसका दोगुना हुआ, अगले 3 साल में उसका दोगुना हुआ। तो ये 8 रुपये होने में कितना टाइम लगा, 3, 3, 6 और 3, 9, मतलब 9 वर्ष में आपकी राशि 8 गुनी हो गई। तो कितना सिंपल है सवाल कि अगर कोई धन चक्रवृद्धि आज की दर से 3 वर्ष में दोगुना हो गया तो कितने समय में 8 गुनी हो गई, 3 वर्ष में दोगुना हुआ, 9 वर्ष में 8 गुनी हो गई। क्लियर है कि नहीं धांसू ट्रिक। ये चीज दूसरे यूट्यूबर आएंगे और आपको चिल्ला चिल्ला के बताएंगे कि धांसू ट्रिक। बिल्कुल सिंपल सा कंसेप्ट है, इसमें कुछ नहीं है, लेकिन इसको ट्रिक बताया जाता है, तो मैंने सोचा कि आपको बताऊं। ऐसे कई सारे सवाल हैं जो आपको दिखेंगे कि ये ट्रिक है, लेकिन वो ट्रिक होते नहीं, एक्चुअल में वो कंसेप्ट होते हैं। तो हम लोगों को पहले चैप्टर वाइज कंसेप्ट समझना है
और फिर उसको आगे लेके जाना है, और छोटे से लेके बड़े सवालों तक। अभी मैंने वापस जब स्टार्ट किया है तो मैं आपको बताना चाहता हूं कि मैं एग्जाम्स में पूछे गए सवालों को लेकर आपके सामने आऊंगा, और छोटे से बड़े सवालों को लेकर आऊंगा, और आपको बताऊंगा कि सब में कंसेप्ट ही है, कहीं कोई ट्रिक नहीं है। कंसेप्ट आपका है तो आपसे सवाल इजिली बनेगा, अदरवाइज नहीं बनना है। तो मिलता हूं मैं आपसे रेगुलर क्लासेस में। अभी फिलहाल आप ये देखिए और समझिए कि कंसेप्ट के बिना कुछ नहीं है। अगले क्लास तक आने में जो समय लगेगा तब तक आप समझिए, और मैं फिर आपके सामने आता हूं। थैंक यू।